Hello students, welcome to you all in this video. So students, this is the third part of the chapter Rulers and Buildings. In the previous videos, you studied about the Mughal architecture and before the Mughals, you studied about the Sultanat architecture. You knew that how they made different kinds of buildings, different kinds of monuments, and they used different types of techniques. Now, today's topic is region and empire. So, देखिए slowly slowly क्या वो देखिए between 8th and 18th century, 8th से लेके 18th century के बीच में there was also a considerable sharing of ideas across regions. देखिए buildings तो बन रही थी, they were using different kinds of techniques, different kinds of architecture. Which was influenced by the foreign also, from the outside also. So, उसके बाद क्या हुआ, ये जो आर्किटेक्चर था, कुछ डिजाइन्स थे, उसका भी क्या हुआ, आदान प्रदान होने लगा. So, कहीं ना कहीं कुछ चीजें वो भी क्या होने लगी, धीरे धीरे फैलने लगी ऑल ओवर द कंट्री. देखिए द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वर अडॉप्टेड बाई अनदर. जैसे मान लीजिए कोई ट्रेडिशन है, कोई उनके सांस्कृतिक चीजें हैं, उनका भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ. और कई चीजें हम देखते हैं आर्किटेक्चर में भी देखते हैं, उनकी वास्तुकला में भी दिखाई हमें देती है. फॉर एग्जाम्पल इन विजयनगर एम्पायर जो था आपका हरियर एंड बुक का ही इस्टेब्लिश्ड, दे इस्टेब्लिश्ड विजयनगर. सो इन विजयनगरम द एलिफेंट स्टेबल्स, जो हाथी खाने होते हैं, ऑफ रूलर्स, जहाँ पे हाथियों को रखा जाता है वर इंफ्लुएंस बाय द एडजॉइनिंग सल्तनेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा. देखिए ये जो विजयनगर के जो एलिफेंट स्टेबल्स थे, जहाँ पे हाथियों को रखा जाता था, उनकी जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो बीजापुर और गोलकुंडा, वहां की जो आर्किटेक्चुरल स्टाइल थी उससे प्रभावित थे, उसी की तरह ये बनाई गई थी. एंड इन वृंदावन नियर मथुरा, आपको पता ही होगा वृंदावन फेमस प्लेस रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा. सो इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चुरल स्टाइल सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी. देखिए जो वृंदावन में जो टेम्पल्स बनाए गए थे, उनकी जो डिजाइनिंग थी वो किसकी तरह थी, मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सीकरी. देखिए जो फतेहपुर सीकरी थी जिसे अकबर ने बसाया, उसमें जो मुगल जो महल हुआ करते थे उनकी तरह ही यहाँ पर भी आर्किटेक्चुअल जो डिजाइंस यहाँ देखने को मिलते हैं. सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू मेनी आर रूलर्स इन दिस सब कॉन्टिनेंट, दे शेयर देयर ट्रेडिशन, देयर आर्किटेक्चुअल डिजाइंस ऑल्सो. सो मुगल रूलर्स वेयर particularly skilled in adapting regional architectural style in the construction of their own buildings. तो जो मुगल्स थे वो भी देखिए कई वो भी क्या करते थे, जो लोकल वहाँ का आर्किटेक्चुरल स्टाइल होता था, वहाँ की जो वास्तुकला होती थी उसे वो भी अपनाया करते थे. In Bengal, देखिए बंगाल में क्या था, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. तो देखिए यहाँ पर जो बंगाल है वहां पर थेस्ड हट बहुत होते हैं, ऐसा आपने देखा होगा जो छप्पर की छतें होती हैं, इस टाइप से छप्पर के बने हुए घर होते हैं, तो आगे से ऐसे बना होता है उसका. सो इन बंगाल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड, तो वहां पर जो डेवलप किया था वो लोकल रूलर्स ने इस टाइप का डेवलप किया था. द मुगल रूलर्स लाइक दिस बंगला डॉम, तो जो ये बंगला डॉम थे ऊपर से उठे हुए, तो जो मुगल्स थे उन्हें ये काफी पसंद आया एंड दे ऑल्सो यूज्ड इट. इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी, अगर बात करें अकबर की कैपिटल थी फतेहपुर सीकरी, मैनी ऑफ दी बिल्डिंग्स, वहां पर अगर बिल्डिंग्स देखें हम, सो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चुरल स्टाइल ऑफ गुजरात है मालवा. तो यहाँ पर जो फतेहपुर सीकरी थी, यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी थी उसमें जो शैली थी वो दिखाई देती थी गुजरात और मालवा की. आई होप आप समझ गए होंगे. यू न्यू अबाउट द आर्किटेक्चर विच वॉज फेमस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट.
But what was happening in other words? So now elsewhere. बाकी जगहों पे क्या हो रहा था इसके बारे में पढ़ते हैं. देखिए फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड अटेम्प्ट्स बिगिन इन फ्रांस. देखिए फ्रांस में कुछ शुरू हुआ नई चीजें. टू बिल्ड चर्चेस दैट वर टॉलर एंड हायर देन अर्लियर बिल्डिंग्स. तो वहां पर जो चर्चे बनने लगी, जो रिलीजियस प्लेस होता है क्रिश्चियन का चर्चेस, तो वहां पर जो बनने लगी वो क्या थी, बहुत ज्यादा टॉलर एंड बहुत ज्यादा ऊंची थी एंड लाइटर और हल्की भी थी देन अर्लियर बिल्डिंग. इससे पहले की जो बिल्डिंग्स होती थी उनसे ज्यादा इनकी ऊंचाई बढ़ाई गई और ये उनसे थोड़ा हल्की होती थी. दिस आर्किटेक्चुरल स्टाइल नोन एज गोथिक. इसे क्या बोला जाता था, गोथिक. ये ध्यान दीजिएगा जो चर्चेस बनी है. देखिए इसमें ये नुकीले टावर भी आप देख सकते हो ऊपर, दिस टाइप ऑफ. सो ये होती है गोथिक स्टाइल. एंड इन इंडिया व्हेन यूरोपियंस अराइव्ड हियर, सो इन मैनी बिल्डिंग्स वी कैन ऑल्सो सी दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, को गोथिक आर्किटेक्चर. तो उन्होंने यहां पर भी बनाई इंडिया में. द यूज ऑफ स्टेन ग्लास. देखिए इस स्टाइल में क्या होता था, द यूज ऑफ स्टेन ग्लास, यानी कि इसमें रंगीन कांचों का प्रयोग किया जाता था. ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉ फ्रॉम द बाइबल. और उसमें देखिए रंगीन जो ग्लास होते थे, कभी कभी उनमें जो बाइबल के कुछ सीन होते थे. जो बाइबल है क्रिश्चियन की, जो रिलीजियस बुक है बाइबल, उसके सीन भी उसमें बनाए जाते थे इस रंगीन ग्लास में. एंड फ्लाइंग बटरेसेस. बटरेसेस होते हैं, पुस्ता भी बोलते हैं, और जो टेक होता है सहारा देने के लिए वो बोला जाता है. तो ये दूर से ही दिखाई देते थे, जो इसके टावर्स होते थे ऊंचे ऊंचे और जो रंगीन कांच होते थे उस पर जो चित्र बने होते थे वो दूर से ही दिखाई देते थे. सो इसे कहा जाता था गोथिक स्टाइल. अगर बात करें एग्जाम्पल तो नोत्र डेम जो है आपका पेरिस में, तो उसमें भी हम इस टाइप के ये गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर देख सकते हैं. सो इट वॉज फेमस इन यूरोप. आई होप यू अंडरस्टूड. सो स्टूडेंट्स दिस चैप्टर एंड्स हियर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. स्टिल यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.